okay welcome class in this lecture we will discuss about the corbel what is corbel why is it used what is corbel why is it used and what is the different forces acting on the corbel and what is the behavior of corbel okay so first of all we will discuss about what is corbel corbel is a reinforced कॉन्क्रीट में यूज टू सपोर्ट द रिनफोर्स एलिमेंट ओके कार में जो आपको बीम जो रिनफोर्स होती है उसको सपोर्ट करता है ओके सेकेंड देखते हैं कैसे सपोज ये आपका क्या है एक कॉलम है ओके ये क्या है आपका एक कॉलम क्या है ये एक कॉलम ठीक उसके बाद ये एक इस तरह से बीम गई हुई होती है ठीक उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है इस तरीके से ठीक है तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है यही होता है कॉरबेल ठीक ये क्या होता है आपका कॉरबेल ये क्या है आपका बीम है ठीक तो डिफिनेशन यही होगा कि वो आरसी मेंबर जो रिनफोर्स कंक्रीट बीम एलिमेंट को सपोर्ट करे आपका कॉलम पे ओके ठीक है अब हम लोग इसको ये मोनोलिथिक होता है मोनोलिथिक मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट बनता है एक लार्ज एलिमेंट बनेगा इसलिए इसको हम लोग मोनोलिथिक कंपोनेंट भी बोलते हैं ठीक है ये हमारा क्या करेगा बीम को सपोर्ट देगा ठीक है सपोर्टिंग मेंबर है इसलिए इसको स्ट्रक्चर एलिमेंट प्रकाश अब ये है कि आप ये जो बीम है ये आपका प्री कास्ट भी हो सकता है प्री स्ट्रेस भी हो सकता है नॉर्मल आर सी बीम भी हो सकता है ठीक है तो यहाँ पे बे बेसिकली हम लोग कॉर्बेल की बात कर रहे थे तो कॉर्बेल क्या है एक आर सी मेंबर है जो बीम को सपोर्ट करता है ठीक है ये जो बीम है इसको सपोर्ट देगा ठीक है सपोर्ट कहाँ देगा ये ये जो आपका है ये आपका क्या हो गया कॉर्बेल हो गया ठीक पढ़ते हैं कॉर्बेल इज अन्फोर्स कॉन्क्रीट मेंबर यूज्ड टू सपोर्ट द रिनफोर्स कॉन्क्रीट बीम एलिमेंट ओके सेकेंड पॉइंट इज कॉर्बेल इज स्ट्रक्चरल एलिमेंट टू सपोर्ट द प्री कास्ट स्ट्रक्चरल सिस्टम सच एस प्री कास्ट बीम एंड प्रीस्ट्रेस बीम ठीक है मैंने अभी बताया कि कॉर्बल क्या है एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो प्री स्ट्रेस बीम या प्री कास्ट बीम को सपोर्ट करेगा नेक्स्ट द कॉर्बेल इज कास्ट मोनोलिथिक विद द कॉलम एलिमेंट और वॉल एलिमेंट ठीक है कॉलम एलिमेंट या वॉल एलिमेंट के साथ कॉर्वेल को कास्ट किया जाता है जो मोनोलिथिक होता है यहाँ पे मोनोलिथिक का सिंपल मतलब होता है लार्ज स्टोन ठीक है या फिर इसको और भी बोल सकते हैं हम लोग सिंगल स्ट्रक्चर ठीक है मतलब कोई ब्रेक ना हो जो भी कास्टिंग हो वो एक सिंगल स्ट्रक्चर में हो ठीक है लार्ज स्टोन या फिर सिंगल स्ट्रक्चर बोलते हैं तो मोनोलिथिक का सिंपल मतलब ये होता है कि वो एक साथ कास्ट किया हो कोई ब्रेकेज ना हो ओके ठीक ऑल्सो नोन एज ब्रैकेट कार्बल को हम लोग कभी कभी ब्रैकेट भी बोलते हैं क्या बोलते हैं ब्रैकेट ठीक है तो ओके नेक्स्ट आपका टॉपिक है बिहेवियर ऑफ कॉर्बेल्स कॉर्बेल्स का क्या क्या बिहेवियर होता है इसको देखते हैं द दियर स्पैन डेप्थ रेशियो इज लेस देन वन इट मेक्स द कॉरबेल बिहेव इन टू डायमेंशनल मेम्बर अब यहाँ पे दो टर्म आता, आता है शीयर डेप्थ क्या शीयर स्पैन क्या होता है और डेप्थ क्या होता है तो फॉर एग्जाम्पल आप एक ये कॉलम हम लोग लेते हैं ठीक और एक ये कॉरबेल लेते हैं ठीक तो यहां पर सपोज एक लोड लग रहा है पी ठीक है तो कॉलम के फेस सेल जहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है लाइन ऑफ एक्शन जो है फ्लोट का उन दोनों के बीस के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं सीयर स्पैन ये क्या है आपका शीयर स्पैन क्या है शीयर स्पैन ठीक ये क्या है आपका शीयर स्पैन उसके बाद यहाँ पे एक स्टील होगा क्या होगा स्टील होगा ठीक है री होगा उसके बाद यहाँ से लेके आपके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे डेप्थ बोलेंगे ये आपका होगा अफेक्टिव डेप्थ ये क्या होगा एफेक्टिव डेप्थ क्या आपका एफेक्टिव डेप्थ यहाँ से हम लोग समझ में आ गया कि शीयर स्पैन किसे बोलते हैं और डेप्थ कैसे बोलते हैं तो ये जो रेशियो होता है ये आपका लेस देन वन होना चाहिए उस कंडीशन में कारबेल क्या होगा टू डायमेंशनल बिहेवियर करेगा ठीक है टू डायमेंशनल बिहेवियर आएगा टू डायमेंशनल बिहेवियर क्या आएगा जैसे दो तरह की दो डायरेक्शन में इसमें फोर्सेस लगेंगे ठीक है टू डायरेक्शन में फोर्सेस लगेंगे ठीक है सेकेंड है शीयर डिफॉर्मेशन इज सिग्निफिकेंट इन द दॉरबेल जो सीयर डिफॉर्मेशन होगा वो सिग्निफिकेंट होगा कार में थर्ड देयर इज अ लार्ज हॉर्जेंटल ट्रांसमिट फोर्स देयर इज अ लार्ज हॉर्जेंटल फोर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सपोर्टेड बीम रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म स्रिंकेज एंड क्रीप डिफॉर्मेशन इस पॉइंट से यह मतलब है कि जो हॉरिजेंटल फोर्स लग रहा है पर्टिकुलर कार्बेल पे वो क्या करेगा आपका स्रिंकेज और क्रीज डिफॉर्मेशन जनरेट करेगा उस पर्टिकुलर बीम में ठीक है उस पर्टिकुलर बीम में क्या जनरेट करेगा स्रिंकेज और क्रीप डिफॉर्मेशन वो स्रिंकेज और क्रीप डॉफॉर्मेशन किसकी वजह से आएंगे आपका लॉर्ज हॉरिजेंटल फोर्स की वजह से ठीक है बियरिंग फेल्योर ड्यू टू लार्ज कंसनट्रेटेड लोड ठीक है अगर कारबेल पे आपका कंसनट्रेटेड लोड लग रहा है ठीक है लार्ज अमाउंट में अगर कंसनट्रेटेड लोड लग रहा है तो वहां पे बियरिंग फेल्योर भी हो सकता है ओके नेक्स्ट पॉइंट इज द क्रैक्स आर यूजली वर्टिकल और इंक्लाइंड प्योर शेयर क्रैक्स जो क्रैक्स होंगे वो क्या होंगे आपके वर्टिकल होंगे या फिर इंक्लाइंड शीयर क्रैक्स होंगे ठीक है इंक्लाइंड शेयर क्रैक्स मतलब या तो वो वर्टिकल होंगे या फिर किसी एंगल पे इंक्लाइंट होंगे वो क्रैक्स ठीक है नेक्स्ट है मोड ऑफ फेल्योर द मोड ऑफ फेल्योअर ऑफ़ कॉर्बेल आर ड्यू टू जो वो होंगे मोड ऑफ़ फेल्योर किसकी किसी वजह से पहला होगा इल्डिंग ऑफ टेंशन टाइज जो टेंशन टाइज हम लोग यूज़ करेंगे उसकी इल्डिंग अगर आ जाती है तो या इल्ड कर जाता है वो पूरी तरह से तो मोड फेल्योर होगा सेकेंड कंडीशन है फेल्योर ऑफ़ द एंड एंकरेज ऑफ द टेंशन टाई ठीक है अगर एंकरेज जो होता है लास्ट में जो एंकरेज लगाए रहते हैं हम लोग अगर वो फेल्योर कर जाएगा तब भी फेल्योर हो जाएगा कार, कार्बेल और नेक्स्ट है लास्ट है आपका फेल्योर ऑफ कंक्रीट बाय कंप्रेशन और सियरिंग एंड बियरिंग फेल्योर ठीक है या तो कॉन्क्रीट कॉम्प्रेशन में फेल कर जाए या फिर शीयर और बियर फोर्सेज के कारण आपका फेल कर जाए कारबेल तो उस कंडीशन में भी आपका फेल्योर हो सकता है ठीक है अब हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ फेल्योर के क्या क्या है तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ फेल्योर क्या है पहला है डायगनल शीयर तो डायग्नल शीयर में हम लोग फिगर देखते हैं डायग्नल शीयर का जो ये फिगर है इसमें वी यू क्या है लोड है ये क्या है वर्टिकल लोड ठीक है वर्टिकल लोड है जो लग रहा है और ये लोड किस पे लग रहा है ये बियरिंग प्लेट पे लग रहा है किस पे लग रहा है बियरिंग प्लेट पे ये पर्टिकुलर लोड लग रहा है ठीक है अब ये जो क्रैक है ये आपका क्या है क्रैक है ये क्रैक टाइज में आ रहा है और इसकी इस तरह के फेलियर को हम लोग बोलते हैं डायगोनल शेयर ठीक है shear, क्योंकि ये एक किसी एंगल पे लग रहा है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल शेयर और इसका जनरेशन जो होता है मतलब कहाँ से ओरिजिनेट होता है ये जहाँ पे हमारा लोड लग रहा है वहीं से ओरिजिनेट origin, ओरिजिनेट होगा मतलब वहीं उसकी ओरिजिन पॉइंट होगी और एंड पॉइंट होगा जहाँ पे हमारा कॉलम फेस होगा ठीक है जैसे ये कॉलम है ये आपका क्या है कॉलम है ठीक है तो ये कॉलम फेस जो होगा यहाँ पे ये क्या है आपका कॉलम फेस है ये आपका इसका एंड पॉइंट होगा और ये इसका क्या है स्टार्ट पॉइंट इस इस पर्टिकुलर डायगनल का तो ये हो गया आपका डायगनल शीयर कि डायगनल शीयर मोड ऑफ फेल्योर कैसे जनरेट होता है नेक्स्ट आपका शीयर फ्रिक्शन ठीक है तो शीयर फ्रिक्शन एक ऐसा फेल्योर है मोड ऑफ फेल्योर है जिसमें आपका कॉलम फेस और कॉर्बेल जहाँ पे ज्वाइंट होते हैं वहाँ से वो फेल्योर होता है जैसे कि ये जो आपका ये जो क्रैक्स हैं ये आपके क्या है इंटरसेक्शन पे है कहाँ पे है इंटर सेक्शन पे है तो ठीक है तो कॉलम जो होगा कॉल शीयर फ्रिक्शन जो होगा वो पर्टिकुलर आपका कॉलम uh, और बीम के ज्वाइंट पे होगा ठीक है शीयर फ्रिक्शन जो फेलियर होगा वो आपका कहाँ पे होगा कॉलम और बीम के ज्वाइंट पे ठीक है नेक्स्ट आपका आता है एंकरेज स्प्लिटिंग और वर्टिकल स्प्लिटिंग तो एंकरेज स्प्लिटिंग क्या होती है कि आपका एंड पे आता है जब हम लोग डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे जहाँ पे हमारे बार्स क्या होते हैं टर्न होते हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारा क्या होता है कि एंकरेज स्प्लिटिंग आता है ठीक है एंकरेज स्प्लिटिंग जो फेल्योर होगा वो आपका एंड पे होगा एंड ऑफ द कॉर्बेल पे होगा ठीक है वर्टिकल स्प्लिटिंग क्या होता है कि जब हमारा हॉर्जेंटल और वर्टिकल फोर्स लगता है तो जो बियरिंग प्लेट uh, का एंड होता है ठीक है एंड होता है उस पर्टिकुलर पोजीशन पर क्या होगा वर्टिकल लोड की वजह से आपकी ठीक है वो फोर्स क्या होगा आ, वो कार्बेल क्या होगा फिल करेगा वर्टिकल फोर्स की वजह से ओके क्या करेगा वर्टिकल फोर्स की वजह से वो फेल कर जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख लीजिए जैसे एक वी यू क्या है वर्टिकल है एन यू क्या है ये वर्टिकल फोर्स है ये हॉर्जेंटल फोर्स है ठीक है अब जब आप इनको बैलेंस करेंगे तो ये जो फेल है फेल्योर है ये आपका करेगा ये क्रैक क्या है फेल्योर जनरेट कर रहा है ये क्या है क्रैक फेल्योर ठीक है ये क्रैक फेल्योर जनरेट कर रहा है इसकी वजह से ये आपका मोड ऑफ फेल्योर होगा ठीक है तो ये आपका चार तरह के मोड्स ऑफ फेल्योर थे पहला क्या था डायगनल शेयर दूसरा क्या था शेयर फ्रिक्शन तीसरा क्या था एंकरेज स्प्लिटिंग और चौथा क्या था वर्टिकल स्प्लिटिंग तो ये चार तरह के चार मोड्स थे आपके फेल्योर के ओके अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं सीयर स्पैन डेप्थ रेशियो ठीक है, शेयर स्पैन डेप्थ रेशियो तो शेयर स्पैन अभी मैंने बताया क्या होता है तो एक बार और देख लेते हैं शेयर स्पैन क्या होता है फॉर एग्जाम्पल ये एक कोई कॉलम है ठीक है ये क्या आपका? है आपका कारबेल है ठीक है तो यहां पे अगर कोई लोड पी लगा रहे हैं तो इसके बीच का ये जो डिस्टेंस होगा ठीक है लोड और कॉलम फेस के बीच के डिस्टेंस क्या बोलते हैं शियर स्पैन बोलते हैं और एफेक्टिव डेप्थ क्या होता है कि जब आपका जहाँ पे स्टील होता है स्टील से लेके आपका जहाँ पे कंप्रेशन फोर्स लाई करता है उसके बीच की डिस्टेंस ओके okay? वो क्या होता है अफेक्टिव डेप्थ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड फ्रॉम द सपोर्ट टू द एफेक्टिव डेप्थ ऑफ द मेम्बर सपोर्टिंग द लोड इज रिफोर्ड एज शीयर स्पेन डेप्थ रेशियो डिनोटेड बाई ए बाई डी ठीक है ए बाई डी से इसको डिनोट करते हैं वेन द रेशियो ए बाई डी इज लेस देन टू द लोड इज ट्रांसफर्ड टू द सपोर्ट थ्रू स्ट्रट एक्शन रादर दैन थ्रू फ्लेक्जर ठीक है तो यहाँ पे एक स्ट्रट एंड टाई एक्शन होता है ठीक है अगर ए बाई डी रेशियो आपका टू से कम है तो वहाँ पे क्या होगा कि जो लोड ट्रांसफर होगा उस पर्टिकुलर कॉर्बेल में वो क्या होगा स्ट्रट टाई एक्शन के थ्रू होगा किससे होगा स्ट्रट टाई एक्शन वहाँ पे फ्लेक्सर फोर्स नहीं कंसीडर करेंगे ठीक है नेक्स्ट आपका आता है कि स्ट्रट टाई एक्शन कैसे होगा और क्या होगा तो इस फिगर में देखिए ये आपका वर्टिकल लोड है ठीक है एक वर्टिकल लोड लग रहा है ये आपका सीयर स्पैन है ये आपका स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ है ये डी वन क्या है फेस का डेप्थ है ये डी टू क्या है कॉलम फेस पे डेप्थ है ठीक है डी वन लेस ग्रेटर देन पॉइंट फाइव डी टू होना चाहिए हमेशा और ये लेस देन डी होना चाहिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है ठीक है ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है और ए बाई डी का रेशियो लेस देन टू होता है तो आपका इस्ट्रट एंड टाई एक्शन होता है अब स्ट्रट एंड टाई एक्शन क्या होता है बेसिकली स्ट्रट एंड टाई एक्शन ये होता है कि जब हम लोग ट्रसेस पढ़ते थे या ट्रसेस में जो फोर्सेस पढ़ते थे वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया है तो उसको हम लोग ट्रस एनालॉजी भी बोलते हैं क्या बोलते हैं ट्रस एनालॉजी ठीक है ट्रस एनालॉजी मतलब ये हुआ कि जो हम लोग ट्रस एनालॉजी में जो फोर्स सिस्टम यूज करते हैं वो लॉ ऑफ फोर्स यूज करते हैं ठीक है तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि स्ट्रट एंड टाई एक्शन की हेल्प से हम लोग इस कॉर्बेल को ठीक है डिज़ाइन करते हैं ठीक है डिज़ाइन करेंगे उस स्ट्रट एंड टाई एक्शन से और स्ट्रट एंड टाई एक्शन में ट्रस एनालॉजी यूज होती है ट्रस एनालॉजी में क्या लामिज थ्योरम यूज होता है ठीक है साइन लॉ वाला जो लामिज थ्यूरम है वो यूज होता है पी अपॉन साइन अल्फा प्लस आ, पी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन गामा ये जो इक्वेशन होता है ये हम लोग यूज करते हैं ट्रस ट्रसनोलॉजी में बेसिक फोर्सेस निकालने के लिए तो उसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कॉर्बेल का लीवर आर्म इक्वेशन डिराइव करेंगे और लीवर आर्म इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे फिर अपना कारबेल डिजाइन करेंगे ठीक है अब जो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है वो आता है शीयर फ्रिक्शन शीयर फ्रिक्शन क्या होता है शीयर फ्रिक्शन थ्योरी क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं तो शेयर फ्रिक्शन थ्योरम द थ्योरी द कॉरबेल इज कास्ट एट डिफरेंट टाइम विद द कॉलम एलिमेंट देन द क्रैक्स ऑकर इन द इंटरफेस ऑफ द कॉर्बल एंड कॉलम अगर हम कॉरबेल को डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स या डिफरेंट डिफरेंट कॉलम एलिमेंट के साथ कास्ट करेंगे कास्टिंग करेंगे उसकी तो जो क्रैक होगा वो इंटरफेस पे जनरेट होगा ठीक है कहाँ जनरेट होगा इंटरफेस पे ये आपका शेयर फ्रिक्शन थ्यूरी अकॉर्डिंग है टू अवॉइड क्रैक्स क्रैक्स को अवॉइड करने के लिए जो हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसको सीयर फ्रिक्शन इनफोर्समेंट बोलते हैं वो हमेशा क्रैक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा कहाँ होगा क्रैक्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बेसिकली जो सीअर फ्रिक्शन थ्योरी यूज होता है वो आपका ए सी आई कोड में यूज़ किया गया ए सी आई कोड क्या ए सी आई या अमेरिकन कॉन्क्रीट इंस्टीट्यूट या अमेरिका का यू एस का एक अच्छा कोड है जैसे हम लोग के वहाँ आई एस फोर फाइव सिक्स यूज़ होता है आर सी सी के लिए उसी तरह अमेरिका या यू में आपका ए कोड यूज होता है ठीक है अब ए सी आई कोड यूज सीयर फ्रिक्शन थ्योरी टू डिज़ाइन द इंटरफेस एरिया जो इंटरफेस एरिया होता है कार्बल और कॉलम का उसको डिज़ाइन करने के लिए ए सी आई फ्रिक्शन थ्योरी की हेल्प लेती है ठीक है इन सीयर फ्रिक्शन थ्योरी वी यूज कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टू ट्रांसफॉर्म हॉरिजेंटल रजिस्टिंग फोर्स इनटू वर्टिकल रजिस्टिंग फोर्स सीयर फ्रिक्शन थ्योरी क्या कहती है कि कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की हेल्प से कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की हेल्प से हम लोग जो हॉरिजेंटल रजिस्टिंग फोर्स होता है उसको वर्टिकल रजिस्टिंग फोर्स में कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं ठीक है थीके? उसके लिए हम लोग क्या है जब बेसिक इक्वेशन होता है सीयर रेन्फोर्समेंट डिज़ाइन का वो क्या होता है फाइव वी एन ग्रेटर दैन इक्वल टू वी यू द बेसिक डिज़ाइन फॉर शीयर रिन्फोर्समेंट डिजाइन इज फाइव वी एन ग्रेटर देन इक्वल टू वी यू वी यू क्या है आपका अल्टीमेट शेयर फोर्स है वी यू क्या है आपका अल्टीमेट शीयर फोर्स वी एन क्या है आपका नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ वी एन क्या आपका नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ और फाइव क्या है कॉन्स्टेंट है? है इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर जिसकी वैल्यू होती है पॉइंट एट फाइव ठीक है अब इसके बाद हम लोग नॉर्मल सीयर स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बाद देखते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक फिगर देखते हैं फिगर में ये जो एक बार बना हुआ है इसको हम लोग शीयर रिन फ्रिक्शन बोलते हैं शीयर फ्रिक्शन रिन बोलते हैं सपोज कर रहे हैं कि इसमें एक फोर्स लग रहा है ए वी एफ एफ वाई ठीक है एक फोर्स हॉरिजेंटल फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू क्या है ए वी एफ एफ वाई ठीक है ये क्या है आपका हॉरीजेंटल फोर्स ठीक है हॉरीजेंटल फोर्स अब जैसा फ्रिक्शन थ्योरी कहती है कि फोर्स को म्यू की हेल्प से वर्टिकल फोर्स कन्वर्ट कर करते हैं तो ये आपका हो गया वर्टिकल फोर्स ठीक है ये वी यू क्या है हमारा लोड जो लग रहा है ठीक है और अल्फा एफ क्या है वो एक एंगल है जिसपे वो एंगल जो क्रैक और रिइंफोर्समेंट के बीच में बन रहा है ठीक है अब जो नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ ऑफ़ शेयर फ्रिक्शन है उसका फॉर्मूला दो कंडीशंस पे डिफाइन किया जाता है पहला कंडीशन होता है कि वर्टिकल शेयर अगर जो हमारा रिन्फोर्समेंट है वो वर्टिकल है ठीक है दूसरा आता है इनक्लाइंट शेयर फ्रिक्शन रिन्फोर्समेंट तो पहला हम लोग वर्टिकल के केस के में पढ़ेंगे तो वर्टिकल के केस में नॉमिनल शेयर स्टर्न का फॉर्मूला होता है वी एन इज इक्वल टू ए वी एफ एफ वाई म्यू ठीक है क्या होता है ए वी एफ एफ वाई म्यू ठीक है अब यहाँ से ए वी एफ हम लोग निकालेंगे तो ए वी एफ क्या हो जाएगा वी एन अपॉन एफ वाई म्यू और हम लोग को वी एन पता है वी एन क्या होता है वी यू अपॉन फाई तो ए वी एफ क्या हो जाएगा वी यू अपॉन फाई एफ वाई म्यू ठीक है वी यू क्या है अल्टीमेट शेयर फाई क्या है आपका रिडक्शन फैक्टर एफ वाई क्या है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील म्यू क्या है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ठीक है वी वेयर वी एन इज नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सीयर फ्रिक्शन रेनफोर्समेंट ए वी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेयर फ्रिक्शन रेनफोर्समेंट एफ वाई इज इक्वल टू ईल्ड स्ट्रेंथ ऑफ शेयर फ्रिक्शन रेनफोर्समेंट म्यू इज इक्वल टू कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ए वी एफ निकाल लेंगे ए वी एफ निकालने के बाद ठीक है ए वी एफ निकालने के बाद हम लोग नंबर ऑफ बार्स निकालेंगे स्पेसिंग निकालेंगे ठीक है ये दो चीज़ें हम लोग और करेंगे ए वी एफ कैलकुलेशन के बाद ओके अब हम लोग इसका सेकंड केस देखते हैं सेकंड केस क्या है इंक्लाइंड शेयर फ्रिक्शन रेन्फोर्समेंट अगर शेयर फ्रिक्शन रेन्फोर्समेंट हमको इंक्लाइंड देना रहे तो क्या होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो जाता है ए वी एफ एफ वाई इन ब्रैकेट म्यू साइन अल्फा एफ प्लस कॉस अल्फा एफ यहां से ए वी एफ क्या हो जाएगा वी एन अपॉन एफ वाई म्यू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा ठीक है अब यहाँ से इस फॉर्मूले को में वी एन इज इक्वल टू व्यू बाई फाई रखेंगे तो हमारा जो ए वी एफ हो जाएगा वो क्या होगा ए वी एफ इज इक्वल टू वी यू फाई एफ वाई ब्रैकेट में साइन अल्फा एफ म्यू प्लस कॉस अल्फा एफ ये हमारा टोटल फॉर्मूला आ जाएगा ए वी एफ अब ए वी एफ कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे ए वी एफ कैलकुलेट करने के बाद हम लोग फिर वही चीज करेंगे नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करेंगे एंड स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे ये दो चीजें हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है उसके बाद फिर हम लोग ठीक है अब कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे म्यू तो म्यू के लिए एक टेबल प्रोवाइड है उस टेबल को हम लोग देखते हैं मेथड क्या है कि म्यू जो डिपेंड करता है वो आपका कास्टिंग पर डिपेंड करता है कि कैस किस कंक्रीट की कास्टिंग कैसे हुई है तो अगर कंक्रीट कास्ट मोनोलिथिक अगर कंक्रीट की जो कास्टिंग वो मोनोलिथिक है तो म्यू की वैल्यू वन पॉइंट होगा ठीक है कॉन्क्रीट प्लेस अगेंस्ट रफ हार्ड एंड ठीक है जो कॉन्क्रीट हम लोग प्लेस कर रहे हैं वो किसी रफ़ सरफेस पे है तो वन लेमडा होगा कॉन्क्रीज प्लेस अगेन अन रफ एंड हार्ड एंड सर्फेस मतलब स्मूथ सरफेस पे हो रहा है तो पॉइंट सिक्स लेमडा और कॉन्क्रीट अगर स्ट्रक्चर स्टील से एंकर कर रहे हैं हम लोग तो पॉइंट सेवन लेमडा होगा अब लेमडा की वैल्यूज कैसे हम लोग फाइंड करेंगे तो इसको देखते हैं तो लेमडा जो है वो आपका मिक्स पे डिपेंड करता है कि जो आपका कॉन्क्रीट है वो कैसा बिहेव करता है तो द वैल्यू ऑफ लेमडा इज़ लेमडा इज इक्वल टू वन फॉर नॉर्मल वेट कॉन्क्रीट नॉर्मल वेट कॉन्क्रीट जो सिंपल हम लोग मोर्टार बनाते हैं ठीक है नॉर्मल वेट जो होगा वो क्या होगा आपका लेमडा वन होगा लेमडा इज इक्वल टू पॉइंट एट फाइव फॉर सैंड लाइट वेट कॉन्क्रीट मतलब सैंड की जो अमाउंट होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा ठीक है लेमडा इज इक्वल टू पॉइंट सेवन फाइव फॉर ऑल लाइट वेट कॉन्क्रीट जितनी भी लाइट वेट कॉन्क्रीट होंगी उसके लिए हम लेमडा की वैल्यू पॉइंट सेवन फाइव रखेंगे अब इसके बाद आता है अल्टीमेट शेयर कंडीशंस चेक करने के लिए दो स्टेजेस ठीक है तो अल्टीमेट शेयर जो अभी हम डिज़ाइन करते हैं जो अल्टीमेट शेयर होगा वो हमारा दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए ठीक है तो दो कंडीशंस क्या है द अल्टीमेट शेयर फोर्स मस्ट फॉलो द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट फॉलो द फॉलोइंग कंडीशंस वी यू इज लेस देन इक्वल टू फाइ इन ब्रैकेट पॉइंट टू एफ सी डैस बी डब्ल्यू इंटू डी ठीक है फाइव के आपका स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर एफ सी डैश क्या है आपका कॉन्क्रीट का सिलेंडर स्ट्रेंथ है अब हम लोग कॉन्क्रीट की जो स्ट्रेंथ निकालते हैं दो मेथड से निकालते हैं एक आपका क्यूब मेथड होता है एक कॉन् सिलेंडर मेथड होता है तो यहाँ पे हम लोग सिलेंडर मेथड यूज़ करेंगे ठीक है सिलेंडर जो स्ट्रेंथ होगी उसको यूज़ करेंगे ठीक है और वी यू जो सेकेंड कंडीशन है वी यू लेस देन इक्वल टू फाइव फाइव पॉइंट फाइव जीरो बी डब्ल्यू डी ठीक है बी डब्ल्यू आपका क्या है विर्थ है कॉरबेल की डी क्या इफेक्टिव डेप्थ है ओके वी यू इज इक्वल टू अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ जो आपका न्यूटन में है एफसी डैस क्या है कॉन्क्रीट सिलेंडर स्ट्रेंथ जो आपका मेगा पासकल में है बी डब्ल्यू क्या है विर्थ ऑफ कॉर्बेल सेक्शन एम एम में डी क्या है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ कॉरबेल ठीक है अब यहां पे आता है कि वी यू तो हमको पता हो गया बी डब्ल्यू पता हो गया डी पता है कॉन्क्रीट सिलेंडर स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं तो कॉन्क्रीट सिलेंडर स्ट्रेंथ के लिए कॉन्क्रीट सिलेंडर स्ट्रेंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे क्यूब स्ट्रेंथ ठीक है जो क्यूब की स्ट्रेंथ होगी उसमें हम लोग पॉइंट एट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा कॉन्क्रीट सिलेंडर स्ट्रेंथ फॉर एग्जांपल अगर एम थर्टी दिया हुआ है क्या दिया हुआ है एम थर्टी ग्रेड ऑफ़ कंक्रीट दिया हुआ है तो एफ सी डैस की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉइंट एट इंटू थर्टी ये क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर मेगा पास्कल ये हो जाएगा उस पर्टिकुलर एम थर्टी के लिए सिलेंडर स्ट्रेंथ की वैल्यू ठीक है अब ये हो गया हम लोग का ठीक है यहां तक तो ये हो गया कि हम लोग ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए अल्टीमेट शेयर फोर्स इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना वो दोनों कंडीशन क्या है पहला कंडीशन है वी यू लेस देन इक्वल टू फाइव पॉइंट टू एफ सी डैश बी डब्ल्यू डी और सेकेंड कंडीशन है वी यू लेस देन इक्वल टू फाइव फाइव पॉइंट फाइव जीरो बी डब्ल्यू इन टू डी वेयर वी यू इज अल्टीमेट शेयर फोर्स शीयर स्ट्रेंथ एफ सी डैश कॉन्क्रीट सिलेंडर स्ट्रेंथ बी डब्ल्यू विथ्थ ऑफ कॉर्बर सेक्शन डी इज एफेक्टिव डेप्थ ऑफ कॉर्बेल अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग है कि डिज़ाइन हम लोग कैसे करेंगे शेयर फ्रिक्शन थ्योरी की ठीक है तो डिज़ाइन स्टेप्स इन शेयर फ्रिक्शन तो पहला स्टेप्स जो है हम लोग शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट द अल्टीमेट शेयर फोर्स तो इस केस में कॉर्बेल के केस में जो लोड होता है ठीक है जो लोड होगा वही आपका शीयर फोर्स होता है क्या होता है शीयर फोर्स होता है ठीक है और अल्टीमेट शीयर फोर्स के लिए ठीक है अल्टीमेट शेयर फोर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे 1.5 पॉइंट शीयर फोर्स कर देंगे क्या करेंगे 1.5 पॉइंट फाइव इंटू शेयर अब 1.5 क्या है 1.5 आपका क्या है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 क्या है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ठीक है इस तरह से हम वी यू निकाल लेंगे सेकंड कंडीशन आपकी सेकंड स्टेप क्या है चेक फॉर अल्टीमेट शेयर फोर्स कंडीशन सेकंड कंडीशन में हम लोग क्या सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग सीयर फोर्स सीयर फोर्स की कंडीशन चेक करेंगे तो कंडीशन क्या है वी यू लेस देन इक्वल टू फाइव पॉइंट टू एफ सी डैस बी डब्ल्यू डी ओके और सेकेंड कंडीशन क्या है वी यू लेस देन इक्वल टू फाइव फाइव पॉइंट फाइव जीरो बी डब्ल्यू इंटू डी एफ फाइव क्या आपका स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर है एफ सी डैश क्या है सिलेंडर कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ है ठीक है अभी मैंने बताया कैसे निकालेंगे बी डब्ल्यू क्या है कॉर्बेल की विड्थ है डी क्या इफेक्टिव डेप्थ है कॉर्बेल का इफ़ एवेब कंडीशन इज नॉट अचीव्ड अगर ये कंडीशन जो दोनों कंडीशन दी हुई है अगर हमको नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे सेक्शन इन कर लेंगे सेक्शन की डेप्थ बढ़ा देंगे और उसके बाद फिर हम रीडिजाइन करेंगे ठीक है सेक्शन की डेप्थ बढ़ा देंगे और उसको फिर रीडिजाइन करेंगे थर्ड स्टेप क्या है कैलकुलेट द एरिया ऑफ शीयर फ्रिक्शन रेनफोर्समेंट ठीक है थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे ए निकालेंगे ए आपका हम लोग निकालेंगे ठीक है एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे क्या निकालेंगे एरिया ऑफ स्टील ठीक है जो कंडीशन हमको दी हुई है अगर वर्टिकल दिया हुआ है तो वर्टिकल निकालेंगे अगर इनक्लाइंट दिया हुआ है तो हम लोग इनक्लाइंट निकालेंगे ठीक है इन दो कंडीशंस को हम लोग निकालेंगे या तो वर्टिकल निकालेंगे या फिर इंक्लाइंड निकालेंगे जो जैसी वैल्यूज़ हमको दी रहेगी वैसी वैल्यूज़ हम लोग निकालेंगे ए निकालने के बाद ए की वैल्यूज़ आने के बाद हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ़ बार्स कैलकुलेट करेंगे ठीक है और स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ़ बार्स कैलकुलेट करेंगे और स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे ये तीन चीज़ें हम लोग थर्ड स्टेप में करेंगे थर्ड स्टेप में क्या करेंगे पहले ए निकालेंगे ठीक है ए निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे एक सूटेबल डाया लेंगे ट्वेल्व एम एम सिक्सटीन एम एम एट एम एम टेन एम एम और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ़ बार्स निकालेंगे फिर स्पेसिंग निकालेंगे फोर्थ स्टेप में क्या होगा हम लोग जो हमारा बेसिक इक्वेशन है उसके रिगार्डिंग चेक करेंगे तो बेसिक इक्वेशन हमारा क्या है फाइव वी एन ग्रेटर देन इक्वल टू वी यू ठीक है फाइव क्या है आपका स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी फाइव की वैल्यू होती है पॉइंट एट फाइव ठीक है वी एन हम लोग निकाल लेंगे आपका ए वी एफ एफ वाई ठीक है ये आपका वर्टिकल के, के केस में आएगा और इंक्लाइंड के, के केस में आता है वी एन इज इक्वल टू एफ वाई फाई म्यू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग वी एन निकालेंगे और उसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि वो वी यू के इक्वेलेंट है या उससे बड़ी वैल्यू अगर आती है तब तो ठीक है बड़ी वैल्यू आती है तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई है अगर नहीं आती है तो फिर हम उसको तो रीडिजाइन करेंगे तो ये आपके थे शीयर फ्रिक्शन रेनफोर्समेंट की डिज़ाइन स्टेप्स ओके तो इस तरीके से हम लोग का शीयर फ्रिक्शन थ्योरी ये हो गया ठीक है अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कार्बल डायमेंशंस और कॉर्बल्स के क्या क्या एजम्शंस होते हैं ये सब पढ़ेंगे जो हमारा आई कोड के अकॉर्डिंग था सीयर फ्रिक्शन थ्योरी किसके अकॉर्डिंग थी अमेरिकन कोड के अकॉर्डिंग थी ठीक है सीयर फ्रिक्शन जो थ्योरी थी हम लोगों की सीयर फ्रिक्शन थ्योरी सीयर फ्रिक्शन थ्योरी आपका अमेरिकन कोड के अकॉर्डिंग थी किसके अकॉर्डिंग थी अमेरिकन कोड और उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे आई एस कोड मैथड तो आई एस कोड मैथड क्या कहता है आई एस कोड फोर फाइव सिक्स बोलता है कि आप कार्बेल की डिज़ाइन सीयर और फ्लैक्जर दोनों में करेंगे सीयर एंड फ्लैक्र दोनों में करेंगे हम लोग आई एस फोर फाइव सिक्स की जो डिज़ाइनिंग है वो शीयर और फ्लेक्जर दोनों में करेंगे ठीक है तो यहाँ तक हम लोग का शेयर फ्रिक्शन थ्योरी हो गया नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपका कॉर्बल डायमेंशंस और आई एस फोर फाइव सिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग